अगर मैं आप लोगों को लाइव में दिखा सकूं, क्योंकि एंगल सेट करना ना लाइव में बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोगों को ठीक से नज़र ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो इस पर मैंने एक अलग से भी डिटेल से वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये देखिएगा, इस धागे में से हम इस तरीके से जब सुई को गुजारेंगे ना, तो यहाँ पे ना ये एक नॉट सी लग जाएगी, ठीक है। जब ये नॉट लगेगी ना, ये जो गिरा है ना, ये बीच में आपके काम में मुश्किल नहीं करेगी। मैं एक बारी फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे कमेंट आ गया है जी महरीन का, अल्हम्दुलिल्लाह आप लाइव आ गई हैं, यही काफ़ी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ सिस, आप और बाकी सब कैसे हैं? जजाकल्ला महरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सब लोगों की दुआ से। और क्लास स्टार्ट हो गई है, सॉरी आज मैं अनाउंस नहीं कर सकी कि मैंने कितने बजे लाइव आना है। नेटवर्क का बस इशू ना हो। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ तुरपाई करते हुए। अच्छा, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आप लोगों को फॉलो करना होता है, इससे आपका काम आसान हो जाता है, सिलाई आसान हो जाती है। मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए, ये एक सिरा जो होता है ना, सिंगल जब धागा हम डालते हैं ना, तुरपाई करते हैं, तो सिंगल धागा होता है, बार बार जो धागा है ना वो सुई में से निकलता है। उसके लिए ये बेस्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक सिरा आपने पकड़ना है इसमें से। ये देखें, मैं गौर से अगर करीब से आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये देखें, इस धागे के बीच में से ना आपने सुई को गुजारना है। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे ना ये गिरा सी बन जाएगी। ये देखें, अब जितना मर्जी आप इसे खींच लें, इतना सा ये देखिए धागा रह गया है, लेकिन आप जितना मर्जी इसे खींच लेंगी ना, ये कभी भी आपका धागा जो है ना वो निकलेगा नहीं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक है, इसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से ये जो बार बार धागा निकलता है ना, अगर आप इस तरीके से कर लेंगे ना, देखिए धागे में से मैं आपको गुजार के दिखाती हूँ, इससे आपका धागा बिल्कुल चुन्नू सा भी रह जाएगा ना, छोटू सा भी रह जाएगा, तब भी आप एंड तक तुरपाई कर सकते हैं। और जब आपको धागा कट करना होगा, तभी ये धागा आप कट करके निकाल पाएंगे, ठीक है जी। ये देखिएगा, ये सिरा आपने पकड़ा। अभी ये ना मैं ठीक से आप लोगों को दिखा सकूं, लाइव में ना एंगल बहुत मुश्किल से सेट होता है वीडियो का। ये देखिएगा, इस तरीके से आपने, ये देखें अगर ठीक से नजर आ रहा है तो, इसमें से आपने इस तरीके से गुजारना है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये एक गिरासी बन गई, ये देख रहे हैं आप लोग, मैं खींच रही हूँ, ये नहीं निकल रही। और ये गिरा जो है ना, ये बिल्कुल भी आपके काम को नहीं रोकेगी, ठीक है। बिल्कुल आराम से, ये हल्की सी लगी होगी, ये कपड़े में बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरीके से आपने फैब्रिक को होल्ड करना है। सबसे पहले आपने ये उठाया और यहाँ पे इस कपड़े को आपने पक्का कर लेना है, ठीक है, सिलाई को आपने पक्का कर लेना है। उसके बाद गौर से देखिएगा कि आपको तुरपाई के दरमियान में गैप कितना रखना है, ठीक है। ये नाखून आपको नजर आ रहा होगा, इस नाखून के आप तुरपाई में गैप रख सकते हैं या कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये जबरदस्त तरीका आपको बता रही हूँ, नाखून का गैप अगर रखेंगे, नीचे से जो आपने कपड़ा उठाना है ना, हाशिम बेटा ये लाइट ऑन करना, इधर आए, मुझे लगता है नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, अभी नेटवर्क गायब हो गया था। लाइट ऑन करनी है मोबाइल की, यहाँ से ओपन तो नहीं हो रही मेरे ख्याल से, पहले ओपन थी, अभी वो नेटवर्क गया है तो मोबाइल लाइट भी ऑफ हो गई और लाइट अब कम आ रही है।